हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 का मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 3 प्लेइंग विद नंबर्स, जिसकी एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट। तो देखिए एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो यहाँ पर आपको क्या पता होना चाहिए, फैक्टर्स की नॉलेज होनी चाहिए कि फैक्टर्स होते क्या है। तो फैक्टर्स का सही मतलब होता है कि अगर किसी भी नंबर के आपको फैक्टर्स निकालने हैं तो क्या चेक करना होता है कि भाई फैक्टर होगा आपका कौन सा, कि वो नंबर को डिवाइड करते कौन कौन से नंबर्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर जैसे 24 की बात है, तो 24 के अगर हमें फैक्टर्स निकालने तो 24 को कौन कौन सी वैल्यू डिवाइड करती है ये आपको निकालना होगा। तो जो आपका नंबर डिवाइड करता है 24 को, वो क्या होंगे, 24 के फैक्टर्स होंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो 24 को कौन कौन सी वैल्यू डिवाइड करती है ये आपको चेक करने के लिए कैसे करना होगा। तो देखो अगर मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली अगर नॉलेज दूँ, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको क्या निकालना है, 24 के फैक्टर्स। ठीक है, तो 24 का एक फैक्टर और सेकेंड फैक्टर, ये तो आपका हमेशा होगा। कौन सा, कि कोई सी के भी आपको अगर फैक्टर निकालने तो 1 और जो नंबर है क्या है यहाँ पर 24, ये दो फैक्टर तो आपके हमेशा बनेंगे। क्लियर है, 1 एंड इटसेल्फ, ये दो फैक्टर्स तो किसी भी नंबर के बनेंगे। क्लियर है, तो 24 के थे तो 24 का 1 और 24 तो बनेगा। इसके अलावा 24 के कौन कौन से फैक्टर्स बनेंगे, तो हमेशा क्या करना है, अपने को चेक करना है हाफ तक। 24 का हाफ क्या होता है, 24 का हाफ अगर आप करोगे तो 24 का हाफ निकल के आएगा 12। आपको यहाँ तक चेक करना है 12 तक, तो 12 तक आप चेक कर लीजिए। तो 12 तक आपको टेबल आनी चाहिए 24 के फैक्टर्स निकालने के लिए। तो 24 के फैक्टर्स अगर हम निकालेंगे तो देखो 24 इवन नंबर है, क्या है, इवन नंबर। अगर इवन नंबर होगा तो उसका 2 फैक्टर तो होगा ही, सिंपल सी बात है। क्लियर है, वो 2 से तो डिवाइड हो गए तो 2 फैक्टर हो गया। ठीक है, और 24 हमारा 3 से भी जाता है, किससे जाता है, 3 से जाता है। और किससे जाता है 24 हमारा, 4 से भी जाता है, 4 से भी जाता है। फिर 5 से नहीं जाएगा, फिर 6 से चेक करेंगे तो 6 से भी जाएगा, मतलब सबसे चेक करना है आपको। ये 6 से भी चल गया, फिर 7 से चेक करेंगे नहीं जाएगा, फिर हमारा किससे जाएगा, 8 से जाएगा। क्लियर है बात। फिर 9 से चेक करेंगे, 10 से चेक करेंगे, 11 से चेक करेंगे, किसी से भी नहीं जा रहा है। फिर 12 से चेक करेंगे तो 12 से ये जा रहा है, क्योंकि 24 12 का हाफ था तो हाफ भी फैक्टर ही होता है। तो 12 तक जा रहा है तो 12 भी इसका क्या होगा, एक तरह से फैक्टर होगा। क्लियर है, ये 12 भी हमारा फैक्टर आ गया। अब इसके आगे अपने को चेक नहीं करना है ना, अपने को हाफ तक चेक करना होता है। सबसे पहला काम क्या करो आप, 24 जो भी फैक्टर निकालना है आपको उसका हाफ तक ले लो और हाफ से आपको क्या फैक्टर निकालना है। ठीक है, अब आप कहोगे सर हाफ, सर ठीक है इवन नंबर है अगर तो इवन का हाफ लेना तो इजी है, जैसे 24 का हाफ ले लिया आपने 12, लेकिन वहीं अगर ऑड नंबर आ गया तो 15 का हाफ हम कैसे लेंगे, तो 15 का हाफ अप्रॉक्स ले लो, जरूरी थोड़ी ना। 15 का हाफ एक तरह से 15 को आप क्या मान लो, 16 मान लो, या 15 को आप 14 मान लो। और 14 का हाफ क्या होता है, 7 होता है, तो 7 तक ही आपको चेक करना है, आगे चेक करना नहीं है। क्लियर है, ये एक तरह से अप्रोच होती है कि हम कहाँ तक चेक करें फैक्टर्स निकालने के लिए, हम कहाँ तक वैल्यू को मतलब डिवाइड करें। नहीं तो आप क्या करोगे 12 फिर 13 को भी करोगे, 14 को भी करोगे, तो फिर वो जाएगा नहीं, आपको हाफ तक ही चेक करना है। क्लियर है, ये लॉजिक है बस। चलो तो आगे फैक्टर्स निकालना कैसे क्या हम करते हैं। ठीक है, चलो तो इसको क्वेश्चन को अपने को कैसे करना है, तो मैंने आपको एक तरह से अप्रोच सिखा दी फैक्टर्स निकालने की। तो अपन क्वेश्चन कर लेते, बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो फैक्टर्स का सही मतलब होता है कि वो नंबर के जितने भी फैक्टर्स होंगे, मतलब वो नंबर के जो डिविजर्स होंगे, कि वो नंबर को कौन कौन डिवाइड करता है, वो इसके फैक्टर्स होंगे, सिंपल सी। तो आंसर ए हम करने जा रहे हैं। ए का अगर हम बात करें 24 की बात करें तो 24 के हमारे जो फैक्टर्स होंगे वो कौन कौन से होंगे, हमारा 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 12 होगा, 24 खुद भी होगा। क्लियर है, तो ये सभी के सभी फैक्टर्स आपको यहाँ पर लिख देने हैं। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर फैक्टर्स ऑफ 24 आर फैक्टर्स ऑफ 24 आर कौन कौन से हैं, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 और 24 खुद। क्लियर है, चलिए आगे बढ़े। आंसर ए हो गया हमारा। बी पार्ट की तरफ चलते हैं। बी पार्ट है हमारे पास में 15 के हमें क्या निकालने हैं, फैक्टर्स। चलिए इसे रैप कर देता हूं मैं। अब देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया 15, वापस से समझना कौन सा नंबर है, नंबर है भैया 15 के क्या निकालने हमें फैक्टर्स। तो मैंने क्या बताया आपको कि भाई एक फैक्टर तो हमारा 1 होगा, ये तो आप नोट कर लो। ठीक है, और एक फैक्टर क्या होगा हमारा 15, ये खुद नंबर। ये दो फैक्टर तो हमारे किसी की भी नंबर के अगर हमें फैक्टर्स निकालने हो तो ये तो निकलेंगे। एक तो 1 होगा, सबका मालिक 1 है, मतलब 1 है ना, 1 तो सबका ही निकलेगा, और नंबर इटसेल्फ भी वो फैक्टर ही होगा। तो 15 का फैक्टर 15, आप खुद देखिए ना, 15 को 15 डिवाइड नहीं करेगा, क्या करेगा, और 1 तो सबको ही डिवाइड करता है। तो इस तरीके से आपके ये दो फैक्टर तो कंपलसरी है कि भाई ये तो आएंगे। चलो इसके बाद में हम चेक करते हैं कि भाई 15 और किस किस से जाता है। देखो 1 के बाद में 2 आएगा, 2 से चेक करोगे नहीं क्योंकि ये ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर 2 से जाता है क्या? नहीं। फिर आप चेक करोगे 3 से जाता है, तो 3 से बिल्कुल जाता है सर। फिर 4 से चेक करोगे नहीं जाएगा, फिर 5 से चेक करोगे। देखो इवन नंबर को तो चेक करने का फ़ायदा नहीं है, जैसे 6 हुआ 8 हुआ, इनको तो चेक करना ही नहीं है क्योंकि ऑड नंबर है, तो आपको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। कि आप 4 को चेक करके देखोगे नहीं, आपको क्या करना है 5 को चेक करोगे आप, तो 5 से जाता है, 5 3 जा 15 होता है, तो ये हमारा 5 फैक्टर आ गया। फिर 6 को करोगे, 6 से भी नहीं जा रहा, फिर 7 को करोगे, 7 से भी नहीं जा रहा है। अब देखो मैंने आपको क्या बताया था, आपको कहाँ तक चेक करना है, मैंने आपको बताया था कहाँ तक चेक करना है। तो आप 15 को, 15 ऑड नंबर है ना, तो 15 का हाफ तो निकलेगा नहीं, आप 15 को क्या मान लो, एक कम मान लो, मतलब 14 मान लो। और 14 का जब हाफ करोगे आप, 14 का जब हाफ करोगे, 14 मान लो, लेट कर लो इसको 14, और इसका जब हाफ करोगे तो हाफ निकल के आएगा 7। तो आपको 7 तक ही फैक्टर चेक करना है। तो 5 का किया, फिर देन 6 का करा, 6 का जाएगा नहीं, 7 का करा, 7 का नहीं जाएगा, बस यहीं पर रोक दो। तो इसके कौन कौन से फैक्टर्स हो गए 1, 3, 5 और 15। क्लियर? आप कहोगे सर 7 भी है क्या, उसका हाफ क्या था? नहीं, क्योंकि 15 का जस्ट हाफ नहीं हो रहा है ना हमारा, 15 का एक परफेक्ट हाफ नहीं निकल रहा है। 15 को अपने को लेट करना पड़ा कि भाई 15 हम एक तरह से 15 ने मान के 14 मान लेते हैं, जिससे कि हाफ निकल जाएगा। देन फिर ये अप्रोच है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलो अब 15 के हैं, जिससे कि आपको ईजिली समझ में आ जाए कि भाई हमारे को फैक्टर्स सर कहाँ तक चेक करने हैं। तो फैक्टर्स ऑफ 15 आर कौन कौन से हो गए 1, 3, 5 एंड 15। लिख सकते हैं हम 1, 3, 5 एंड 15। ठीक है, चलिए सी पार्ट कर लेते हैं। सी पार्ट है हमारे पास में 21, तो 21 के फैक्टर्स निकालने। चलिए इसे रब करते हैं, फिर 21 के हम निकालते। देखिए बहुत आसान तरीके से निकलेंगे। ये लिख देते हैं हम 20। भाई क्या निकालने हमें 21 के फैक्टर्स। तो सबसे पहला काम क्या करना है, सबका मालिक 1 तो हो गई, और क्या है ये खुद नंबर इटसेल्फ, ये भी एक फैक्टर है, ये हमने लिख दिया। 1 और 21 तो निकलेंगे 21 के फैक्टर्स। चलिए इसके अलावा हम चेक करते हैं। देखिए 21 ऑड है तो 2 को चेक नहीं करना है। हाँ, और कहाँ तक चेक करेंगे, तो मैंने आपको बताया 21 है तो 21 तो ऑड है, तो आप क्या करो 21 को 20 मान लो, एक लेस कर लो तो 20 हो जाएगा। 20 का जस्ट हाफ क्या होगा हमारा 10। ठीक है, जस्ट हाफ 10, तो 10 तक ही चेक करेंगे। चलिए अब कर लेते हैं। तो 21, अब 21 के बाद में 21 का हमारा 2 तो निकलेगा नहीं, फिर कौन निकलेगा नेक्स्ट 3 निकलेगा, फिर 4 नहीं निकलेगा, 5 नहीं निकलेगा, 6 भी नहीं है, 7 निकलेगा, 7 भी फैक्टर है। ठीक है, फिर 8 से चेक करेंगे नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा, बस 10 तक चेक करना है, 11 पे जाना ही नहीं है हमें। तो निकल गए हमारे कितने फैक्टर्स, 4 फैक्टर्स निकले हैं 21 के, 1, 3, 7 एंड 21। तो हम लिख सकते हैं फैक्टर्स ऑफ। आ रही बात समझ में? बहुत आसान तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको। 21 आर 1, 3, 7 एंड 21। क्लियर है? चलिए डी पार्ट करते हैं। डी पार्ट है 27। 27 के हमें फैक्टर्स निकालने। तो 27 के कैसे निकालेंगे? देखिए 27 का नंबर लिख लिया हमने, 27 के भैया हमें फैक्टर्स निकालने हैं। तो 27 का 1 तो होगा हमारा, सबका मालिक 1, और कौन होगा ये नंबर इटसेल्फ, तो ये नंबर तो हो गए। देन उसके बाद में अदर फैक्टर्स निकालते हैं। तो 27 को देखो 2 तो करेगा नहीं। हाँ, पहले चेक कर लेते रेंज कहाँ तक हम चेक करेंगे। तो 27 भी ऑड नंबर है, 27 का -1 करेंगे तो 26 आ जाएगा, और 26 का जब हाफ करेंगे तो 13 आएगा। 26 का हाफ जब आप करोगे तो क्या आएगा 13 आएगा, मतलब अपने को नंबर क्या तक चेक करने 13 तक चेक करने। ठीक है, तो 13 तक चेक कर लेंगे। तो देखो 2 से चेक करना नहीं है क्योंकि ऑड नंबर है, तो 2 से जाएगा नहीं। फिर 3 से चेक करेंगे, 3 से जा रहा है। 4 को चेक करना नहीं है, ठीक है। 5 को चेक करेंगे नहीं जा रहा है, 6 को नहीं, 7 को नहीं, 8 को करेंगे नहीं जा रहा है, 9 को करेंगे 9 से बिल्कुल 27 जाता है। फिर 10 को करेंगे, 11 को चेक करेंगे, 12 को चेक करेंगे, 13 को चेक करेंगे, कहीं पर भी नहीं जा रहा है। तो कौन कौन से फैक्टर्स हो गए 1, 3, 9 और 27। ठीक है, तो फैक्टर्स ऑफ 27 आर 1, 3, 9 एंड 27। चलिए ई पार्ट करते हैं। ई पार्ट क्या है 12 के हमें फैक्टर्स निकालने हैं। इसे हम रब कर देते हैं। 12 के हमें फैक्टर्स निकालने, ठीक है। तो 12 के हम फैक्टर्स निकाले, तो 12 के कौन कौन से फैक्टर्स निकलेंगे बताओ। तो 12 का 1 तो होगा, सबका मालिक 1 मतलब 1, और नंबर इटसेल्फ 12। ठीक है, इसके बाद में एक फैक्टर निकलेगा हमारा 2, क्योंकि 12 है तो इवन नंबर है, तो इवन का तो 2 निकलेगा ही, क्योंकि 12 को तो डिवाइड करेगा ना 2, तो 2 आ गया फैक्टर। फिर 12 को हमारा क्या करता है 3 भी डिवाइड करता है। फिर 12 को हमारा 4 भी डिवाइड करता है, ठीक है। फिर 5 को चेक करेंगे, फिर 5 नहीं जाता है, 6 भी 12 को डिवाइड करता है। हाँ, अब हमने रेंज तो निकाली नहीं, हमें कहाँ तक चेक करना है, तो हमें कहाँ तक चेक करना है भाई, ये 12 है तो 12 का तो क्या कर लो भैया, 12 का तो जस्ट हाफ होगा हमारा, 12 का हाफ क्या होगा 6। 12 तो इवन नंबर है तो इसका हाफ निकाल सकते हैं हम, तो 12 का हाफ क्या होगा 6। तो 6 तक हमें चेक करना था, 6 तक हमने चेक कर लिया, बस आगे हमें चेक नहीं करना है। तो कौन कौन से फैक्टर्स होंगे 1 2 3 4 6 12, तो कितने फैक्टर्स हो गए 6 फैक्टर्स हो गए। तो हम लिख सकते हैं फैक्टर्स ऑफ 12 आर 1 2 3 4 6 एंड 12। क्लियर है बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास में है एफ पार्ट, ठीक है। मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, एक मिनट। हाँ, एफ पार्ट आ गया हमारे पास में। एफ पार्ट है 20 के हमें फैक्टर्स निकालने। तो फिर से हम बना लेते हैं चार्ट कि भाई 20 के फैक्टर्स निकालने। तो एक तो हमारा 1 होगा और एक नंबर इट्सेल्फ होगा। इसके अलावा कौन कौन से होंगे, 20 की रेंज निकाल लेते हैं कि कहाँ तक चेक करेंगे। तो 20 की रेंज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 20 का हाफ हम कर सकते हैं। तो 20 का हाफ क्या निकलेगा 10। तो 10 तक हमें चेक करना है। तो देखो 1 होगा, 2 होगा, ठीक है, 3 नहीं होगा, 4 होगा, 5 भी होगा। फिर नेक्स्ट 6 से चेक करेंगे, नहीं जाएगा। 7 से नहीं, 8 से भी नहीं, 9 से भी नहीं। फिर 10 से चेक करेंगे, 10 से भी जाएगा, ठीक है। तो हमें कहाँ तक चेक करना होता है, जस्ट हाफ तक चेक करना होता है। 10 तक हमने चेक कर लिया, आगे हमें चेक नहीं करना है। तो 1 2 4 5 10 एंड 20 ये आपके क्या होंगे फैक्टर्स होंगे। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर फैक्टर्स ऑफ 1 2 4 5 10 एंड 20। फैक्टर्स ऑफ, सॉरी पूरा नहीं लिखा अपन ने, फैक्टर्स ऑफ 20 आर, फिर लिख लेना 1 2 4 5 10 एंड 20। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एफ पार्ट हो गया, जी पार्ट की तरफ चलते हैं। जी पार्ट है हमारे पास में 18 के हमें फैक्टर्स निकालने। तो देखिए 18 का हम बना लेते चार्ट फिर से। तो 18 के लिए हम क्या करेंगे भाई, सबका मालिक 1 एंड नंबर इटसेल्फ, ये तो हमारे फैक्टर्स होंगे। अब 18 की रेंज निकाल लेते कि भाई हम कहाँ तक चेक करेंगे। तो 18 का जस्ट हाफ क्या होता है, 18 का जस्ट हाफ होता है 9 होता है। चलो अब चेक कर लेते हैं। तो 18 को हमारा 2 डिवाइड करता है, 18 को हमारा 3 भी डिवाइड करता है, 18 को 4 नहीं करता है, 5 नहीं करता है, फिर 6 डिवाइड करता है, 7 नहीं करता है, 8 नहीं करता है, फिर 9 डिवाइड करता है। और हमें चेक करना था सिर्फ 9 तक ही, आगे हमें चेक नहीं करना है। तो फैक्टर्स हो गए हमारे 1 2 3 6 9 एंड 18। तो हम लिख सकते हैं फैक्टर्स ऑफ 18 आर 1 2 3 6 9 एंड 18। क्लियर है। इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, सिंपल। अब देखिए आगे एच पार्ट कौन सा है, एच पार्ट है 23 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो 23 हमने लिखा और 23 के फैक्टर्स हमने निकाले। तो 23 के फैक्टर्स क्या होगा, सबका मालिक 1 और नंबर इटसेल्फ। अब 23 के चेक करोगे, देखो 23 की जस्ट हाफ क्या होता है, 23 का जस्ट हाफ तो निकलेगा नहीं, 23 में से -1 करेंगे जब निकलेगा हाफ। तो 22 का हाफ क्या होता है 11। अब 11 तक आपको चेक करना है। तो 23 को जब आप चेक करोगे तो देखो 2 से भी नहीं आएगा, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से, 11 तक आप चेक करोगे, किसी से भी नहीं जाएगा। अब ये नहीं जाने का रीज़न क्यों है, क्योंकि 23 जो नंबर है वो एक तरह से प्राइम नंबर है, ये आपको ध्यान रखना है। 23 जो नंबर है वो हमारा क्या है, प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर मतलब क्या होता है, जिसके जो फैक्टर्स होते हैं वो ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं। कौन फैक्टर्स, सिर्फ एक तो नंबर 1 होगा, 1 सबका मालिक होता है, और नंबर इटसेल्फ। ये जो फैक्टर्स होते हैं ये 2 ही फैक्टर्स होते हैं प्राइम नंबर्स के, इसके अलावा कोई भी फैक्टर नहीं होता है, ये ध्यान रखना। तो जब भी आपके पास में प्राइम नंबर आ जाते हैं तो क्या होंगे उसके नंबर्स, जो फैक्टर्स होंगे वो क्या होंगे, सिर्फ 2 होंगे, एक तो 1 और नंबर इटसेल्फ। क्लियर है। तो फैक्टर्स ऑफ हमने चेक किया है कि भाई 23 के हमारे फैक्टर्स नहीं निकले, और क्यों नहीं निकले इसका रीज़न मैंने दे दिया, क्योंकि ये प्राइम नंबर है। तो क्या होगा 1 एंड 23, ठीक है, ये फैक्टर्स हमारे निकल गए, ठीक है। नेक्स्ट चलते एच आई। आई क्या है हमारे पास में 36। 36 का जब हम फैक्टर्स निकालेंगे, यहाँ पर चेक करवा देता हूँ मैं, ये 36 है। 36 के जब हम फैक्टर्स निकालेंगे तो 1 होगा, सबका मालिक 1 और नंबर इटसेल्फ। और चेक कर लेते हैं। तो देखो 36 की पहले रेंज निकालते, कहाँ तक चेक करेंगे सर, 36 का हाफ होता है हमारा 18 होता है, 36 का हाफ 18। तो 36 का हाफ 18 होता है, तो 18 तक ही हमें चेक करना है। तो देखिए यहाँ पर हमारा फैक्टर निकलेगा 2, ठीक है। फिर हम चेक करेंगे तो 3 से भी जा रहा है, फिर हम चेक करेंगे तो 4 से भी जा रहा है, 9 टाइम्स जाता है, ठीक है। फिर हम चेक करेंगे 5 से नहीं जाएगा, 6 से चेक करेंगे 6 से जा रहा है, 7 से नहीं, 8 से भी नहीं जाएगा, 9 से चेक करेंगे 9 से भी हमारा ही जा रहा है, ठीक है। फिर 10 से नहीं जा रहा है, फिर 11 से नहीं जा रहा है, फिर 12 से चेक करेंगे 12 से भी जा रहा है, 12 3 जा 36 होता है। फिर 13 से चेक करेंगे 14, 15, 16, 17, फिर 18 से चेक करेंगे तो ये 18 से भी जाएगा, क्लियर। 18 2 जा 36। अब देखो फैक्टर्स निकालने के लिए अगर आप जल्दी जल्दी निकालना चाहते हो ये फैक्टर्स, तो आपको क्या होनी चाहिए, इसके लिए टेबल लर्न होनी चाहिए। आपको टेबल लर्न अगर होगी, ठीक है, मिनिमम आपको टेबल कम से कम 20 तक टेबल्स लर्न होनी चाहिए 6 क्लास के बच्चे को, तो आप इजीली कर लोगे। वैसे तो 30 तक याद होनी चाहिए, 30 तक आपको याद होगी तो बहुत ईजिली आप कैलकुलेशन कर सकते हो बहुत कम टाइम में। तो टेबल्स तो एक तरह से रामबाण है मैथ्स के लिए। तो फैक्टर्स ऑफ 36 आर कौन कौन से निकल गए देखो, 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 एंड 36, ठीक है। ये सभी फैक्टर्स हमारे निकल गए। इस तरीके से इन फैक्टर्स को हमें निकालना है, क्लियर है, आप समझ गए है ना। मैंने आपको रेंज बता दी कि भाई कहाँ तक हम फैक्टर्स चेक करते हैं, कैसे क्या करना है, अप्रोच मैंने पूरी आपको बता दी है, क्लियर है। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ, आपको क्या लिखना है यहाँ पर, मल्टीपल्स लिखने हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपको, सेकंड का ए पार्ट है 5 के मल्टीपल लिखने हैं, 8 के मल्टीपल लिखने हैं, 9 के मल्टीपल। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भाई मल्टीपल्स होते क्या है। तो मल्टीपल्स मीन्स क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलता हूँ 3 के मल्टीपल्स क्या होंगे, तो 3 के मल्टीपल्स जो 3 की टेबल में आते हैं, तो 3 के मल्टीपल्स को होंगे 3 × 1 करो तो क्या आता है 3, तो 3 का मल्टीपल एक 3 भी है। फिर 3 × 2 करो तो क्या आता है 6, तो 6 भी क्या है 3 का मल्टीपल है। 3 × 3 करोगे तो क्या आएगा 9, तो 9 भी 3 का मल्टीपल है। ऐसे 12 है, ठीक है, 15 है, 18 है, जो जो भी 3 की टेबल में आते हैं वो सभी 3 के मल्टीपल्स होंगे। अब मैं अगर तुमसे पूछता हूँ 100 क्या 3 का मल्टीपल है, तो आप कहोगे नहीं सर, क्योंकि 100 3 से डिवाइड नहीं होता है। 100 को जब 3 से डिवाइड करोगे तो होगा क्या, नहीं, तो 100 जो है वो 3 की टेबल में आएगा ही नहीं, तो इसका मतलब है कि 100 हमारा क्या नहीं है फैक्टर। अब मैं 100 की जगह लिख देता हूँ 300, बताओ 300 3 का मल्टीपल है क्या, तो 300 3 का मल्टीपल है, क्योंकि 300 3 से क्या होता है डिवाइड होता है, क्लियर, सिंपल, ऐसे करना है आपको, ठीक है। तो मल्टीपल का मतलब क्या होता है, किसी भी को भी आपको मल्टीपल चेक करना है तो आप डिवाइड करके चेक कर लीजिए कि भाई वो जा रहा है तो ठीक है वो मल्टीपल है, नहीं तो नहीं है। तो आपको क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर, जैसा कि मैंने आपको मल्टीपल तो समझा दिया, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स लिखने। फर्स्ट 5 बोला है इसने, कोई सा भी ऐसे नहीं बोला है कि राइट 5 मल्टीपल्स, फर्स्ट 5 बोला है। तो फर्स्ट 5 कौन कौन से होंगे, तो देखो अगर अपने को 5 के निकालने हैं तो 5 की टेबल शुरू से बोलनी पड़ेगी, शुरू से बोलनी पड़ेगी। तो 5 के हम क्या निकाल रहे हैं, मल्टीपल्स निकाल रहे हैं। तो 5 के मल्टीपल्स कौन कौन से होंगे, 5 का मल्टीपल होगा एक तो 5 × 1 5, ठीक है। फिर होगा हमारा 5 × 2 10, नेक्स्ट होगा हमारा 5 × 3 15, नेक्स्ट होगा 5 × 4 20, फिर नेक्स्ट हम करेंगे 5 × 5 25। कितने कितने मल्टीपल्स निकाल लेते हैं हमें, 5 मल्टीपल्स निकाल लेते हैं, हमने निकाल लिए। ये सर्कल में जो कर रहा हूँ ये मल्टीपल है, ठीक है। तो 5 10 15 20 और 25 जो है वो 5 के मल्टीपल्स होंगे। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट 5 मल्टीपल्स, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 5 आर 5 10 15 20 एंड 25, क्लियर है। ए पार्ट कंप्लीट हो गया। इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को करना है, मतलब आपको कुल मिला के टेबल बोलनी है, टेबल लर्न होनी चाहिए। अब देखिए 8 के मल्टीपल निकालने हैं, किसके, 8 के मल्टीपल निकालने। तो 8 के मल्टीपल कैसे निकालेंगे, 8 × 1 करेंगे तो 8 आ जाएगा टेबल। फिर 8 को 2 से करते, 8 × 2 जा कितना होता है 16 होता है, 8 × 3 जा कितना होता है 24 होता है, 8 × 4 जा कितना होता है 8 × 4 जा होता है 32, 8 × 5 जा कितना होता है 40। ये हो गए फर्स्ट 5 मल्टीपल। कौन कौन से हो गए, 8 हो गया, 16 हो गया, 24 हो गया, 32 हो गया, 40 हो गया, क्लियर है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 8 आर 8, 16, 24, 32, 40. ठीक है, चलिए सी पार्ट करते हैं। सी पार्ट है हमारे पास में 9। देखिए 9 में हमें करना होगा मल्टीपल्स, तो 9 के कौन कौन से होंगे, 9 की टेबल आपको जस्ट बोलनी है। तो 9 × 1 9 हो गया, 9 × 2 हमारा 18 होगा, 9 × 3 हमारा 27, 9 × 4 हमारा 36, 9 × 5 हमारा हो जाएगा 45। तो कौन कौन से मल्टीपल निकल गए, 9 हो गया, 18 हो गया, 27 हो गया, 36 हो गया, 45 हो गया, निकल गए। चलिए तो यहाँ लिख सकते हैं हम लैंग्वेज के तौर पर, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 9 आर 9, 18, 27, 36 एंड 45। क्लियर है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है मैच द आइटम्स इन कॉलम 1 विद द आइटम्स इन कॉलम 2। तो आपको मैच करना है सिंपल। तो ये जो क्वेश्चन है एक तरह से मैच द फॉलोइंग का है, और यहाँ पर ये क्वेश्चन मल्टीपल और फैक्टर के ऊपर बेस्ड है। तो आपको फैक्टर का भी मतलब पता है क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन फैक्टर के ऊपर बेस्ड था, मल्टीपल भी पता है क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 मल्टीपल के ऊपर बेस्ड था, और फैक्टर्स और मल्टीपल मैं आपको समझा चुका हूँ, तो कोई परेशानी भी नहीं होगी आपको। चलिए तो हम इनको क्या करते हैं, मैच करते हैं। तो देखो 35 जो है वो एक तरह से क्या है, किससे मैच होगा, मल्टीपल ऑफ 8 नहीं, मल्टीपल ऑफ 8 का है 35, मल्टीपल ऑफ 7 जी हाँ, मल्टीपल ऑफ 7 आप कह सकते हो क्योंकि 7 का मल्टीपल होता है 35। 35 को जब आप डिवाइड करोगे 7 से तो जाएगा, तो 7 का मल्टीपल कौन हो गया, 35। तो आप इसको चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपने मैच कर लिया मल्टीपल ऑफ 7। चलिए आगे चेक करते हैं, ये 15 को चेक करते हैं। तो 15 क्या है, तो 15 है हमारा एक तरह से, अब देखो 15 जो है एक तरह से किससे मैच होगा, मल्टीपल ऑफ 8 नहीं, मल्टीपल ऑफ 7 का हो ही गया, और मल्टीपल ऑफ 70 तो मल्टीपल ऑफ 70 भी नहीं है, फैक्टर ऑफ 30 जी हाँ, फैक्टर ऑफ 30 आप बोल सकते हो क्योंकि 30 के जब आप फैक्टर्स निकालोगे, देखिए मैं 30 के फैक्टर्स आपके सामने लिख देता हूँ, 30 के फैक्टर्स जब हम निकालेंगे तो कौन कौन से निकलेंगे, आप कहोगे सर सबका मालिक 1 तो लिखो, और यहाँ लिखो आप नंबर इटसेल्फ, और इसके अलावा आप बोलोगे 2 होगा, फिर 3 होगा, नेक्स्ट 5 होगा, फिर 6 होगा, 7 चेक करोगे, 8 करोगे, 9 करोगे, फिर नेक्स्ट बोलोगे आप 10 होगा सर, 11 भी नहीं होगा, 12, 13, 14, फिर नेक्स्ट होगा हमारा 15, 15 तक ही चेक करेंगे। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर जो 30 के हमने फैक्टर्स निकाले उसमें आपका क्या आ रहा है, ये 15 भी आ रहा है, तो फैक्टर ऑफ 30 क्या होगा हमारा, 15 होगा। तो 15 को हम मैच कर लेंगे फैक्टर ऑफ 30 से। क्लियर है बात, चलिए आगे बढ़ते। 3rd 16 है, अब 16 क्या है बताओ, मल्टीपल ऑफ 8 है, मल्टीपल ऑफ 70 है, फैक्टर ऑफ 50 है, फैक्टर ऑफ 20 है। तो साफ दिख रहा है यार मल्टीपल ऑफ 8 है क्योंकि 8 की टेबल में 8 2 जा क्या आता है, 16 आता है, तो मल्टीपल ऑफ 8 क्या हो जाएगा हमारा 16, 16 को मल्टीपल ऑफ 8 से मैच करेंगे। 4th है 20, तो 20 देखिए यहाँ पर, तो 20 जो है वो मल्टीपल ऑफ 70 का कहाँ से होगा यार, मल्टीपल ऑफ 70 बताओ, 20 जो है वो मल्टीपल ऑफ 70 का है नहीं है, फैक्टर ऑफ 50 है क्या, 50 के फैक्टर जब हम निकालेंगे उसमें 20 आएगा क्या, नहीं, 50 को 20 डिवाइड ही नहीं करता है, तो कहाँ से हो जाएगा। चलिए फैक्टर ऑफ 20 क्या, जी हाँ 20 को 20 डिवाइड करता है, तो हम कह सकते हैं फैक्टर ऑफ 20 है हमारा 20। ठीक है, फिर नेक्स्ट लास्ट बचा हमारा 25। ऑप्शन है हमारे पास में 2 रिमेनिंग और 1 यहाँ पर है, तो देखो 25 से कौन मैच होगा हमारा, सी होगा या ई होगा। तो 25 के लिए मल्टीपल ऑफ 70 बताओ, 70 का मल्टीपल है क्या 25, नहीं, 70 की टेबल में कहाँ आएगा 25 यार, 25 तो छोटा नंबर है, तो 70 की टेबल जब आप बोलोगे तो 70 फिर नेक्स्ट आएगा 140 ऐसे बोलोगे, तो 25 तो आएगा नहीं। अब फैक्टर ऑफ 50 क्या, जी हाँ 50 के जब आप फैक्टर्स निकालोगे तो उसमें आपको 25 भी दिखेगा, जब आप निकालोगे, मैं आपको फैक्टर्स निकाल के बता देता हूँ, ये लीजिए 50 के जब अपन फैक्टर्स निकालेंगे तो 1 तो सबका मालिक 1 और ये होगा 50, इसके अलावा कौन होगा हमारा 2 होगा, ठीक है 3 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, फिर हम चेक करेंगे 5 को तो 5 भी होगा, फिर 6 नहीं होगा, 7, 8, 9, 10 होगा, ठीक है, फिर 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, फिर नेक्स्ट आएगा हमारा 25, कोई भी नहीं होगा, तो ये फैक्टर्स बनेंगे। तो देखो 50 के जब हम फैक्टर्स निकाल रहे हैं तो इसमें फैक्टर 25 आ रहा है ना, तो 25 जो होगा वो किसका फैक्टर होगा हमारा 50 का, तो ये 25 से मैच होगा हमारा फैक्टर ऑफ 50। क्लियर है। और रिमेनिंग ऑप्शन क्या रह गया, मल्टीपल ऑफ 70, ये हमारा क्या हो जाएगा कट हो जाएगा, क्या हो जाएगा कट हो जाएगा कि भाई इसका कोई यूज़ नहीं है यहाँ पर। बात आई समझ में। इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। तो हमने एक तरह से मैच क्या किया भाई, हम मैच करवा देते हैं, मतलब फर्स्ट पॉइंट से हमने मैच किया, फर्स्ट पॉइंट से हमने बी ऑप्शन मैच किया, ठीक है। सेकंड जो ऑप्शन है उससे हमने डी ऑप्शन मैच किया। थर्ड जो है 16 से हमने ए ऑप्शन मैच किया। फोर्थ से हमने मैच किया एफ। फिफ्थ से हमने मैच किया ई। इस तरीके से आप लिख सकते हो बी डी ए एफ ई। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 9 अप टू 100। आपको क्या करना है, यहाँ पर मल्टीपल्स लिखने और 9 के मल्टीपल लिखने, और कहाँ तक लिखने, 100 तक लिखने, 100 से ज़्यादा नहीं जाना है ना। तो 100 तक हमें को 9 के मल्टीपल्स लिखने। तो कैसे लिखेंगे, आपको पता है मल्टीपल्स मतलब कि भाई मल्टीपल्स मतलब होता है कि भाई 9 के टेबल में जो जो भी वैल्यू आती है वो सभी मल्टीपल है 9 के। तो 9 की टेबल बोलनी है सिंपल, और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तो 9 के हम क्या लिख लेते हैं, मल्टीपल्स लिख लेते हैं। तो 9 के जो मल्टीपल्स होंगे वो क्या क्या होंगे मैं आपको बता देता हूँ। देखो 9 की टेबल बोलेंगे 9 × 1 9, नेक्स्ट 9 × 2 18, 9 × 3 27, 9 × 4 36, 9 × 5 45, 9 × 6 54, 9 × 7 63, 9 × 8 72, 9 × 9 81, 9 × 10 90। अभी 90 तक ही है, अब हमारे को कहाँ तक जाना है, अप टू 100 तक। फिर 9 × 11 का जब करेंगे तो क्या आएगा 99। अब 9 × 12 करते कितना आ जाएगा, 9 × 12 करते 108। तो 108 तो हमारा 100 से अब हो गया, तो ये हम नहीं लेंगे। तो हमारे को कहाँ तक जाना है, 9 × 11 तक, 99 तक। क्लियर है। तो ये हमारे फैक्टर्स हो गए। तो 9 18 27, तो हम लिख सकते हैं द मल्टीपल्स ऑफ 9 अप टू 100, मल्टीपल्स ऑफ 9 अप टू 100 आर 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90 और 99। इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। क्लियर है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन थे, फैक्टर्स और मल्टीपल के ऊपर बेस्ड थे। अगर आपको फैक्टर्स और मल्टीपल्स का मतलब पता है तो आप इजीली इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।